कविता भाभी की इस दुनिया में आप सबका दिलोच्चा से स्वागत है। इस जगह को देखकर इतना हैरान मत होइए आप। अरे आप लोगों के प्यार से इतना कमाती हूँ कि मैं भी निकल आई इस जगह में छुट्टियाँ मनाने के लिए। हाँ, मगर इस छुट्टियों से ज़्यादा आप लोगों की मुझे ज़्यादा चिंता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपना धंधा यानी कि मेरा टेलीफोन साथ लाई हूँ। ये देखिए, और मैं एक बार वापस कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से हूँ। हेलो जान, क्या हम कविता भाभी से बात कर रहा है? इतने प्यार से जान बोलकर जान निकालने वाली कोई और हो सकती है क्या? आप कविता भाभी से ही बात कर रहे हैं। आप जो शब्द बात करने के लिए चुनती है ना, यकीन जानिए वो शब्द भी आग लगा देते हैं। क्या ये सारे शब्द आपको कोई लिख कर देता है कविता भाभी? जी हाँ, ये सारे शब्द मुझे जिंदगी लिख कर देती है। वाह, तीर की तरह दिल को चीर गए आपके शब्द। कविता भाभी, हमारा नाम असीम बासु है और हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। ओह, कलकत्ता, मिठास से भरा शहर। वहाँ कोई औरत हो या मर्द, सभी मीठा बोलते हैं। एक बात पूछूं असीम बाबू, क्या मैं आपको बाबू कह सकती हूँ? कविता भाभी, यकीन कीजिए आप तो बिल्कुल अपनी लग रही हैं। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी, क्या आप कोई लेखक हैं? बूढ़ी बाबा, बोलने वाले आपके बारे में बिल्कुल ठीक बोलते हैं कविता भाभी, आप तो अंतर्यामी भी हैं। आपने कैसे पहचाना कि मैं लेखक हूँ? ये निगोड़ी जिंदगी मुझे इतना सिखा चुकी है कि मैं लोगों को पहचानना जान चुकी हूँ। चिंगारी कोई जब जब भड़कती है ना इस दिल में, इस जीवन में, तब तब कोई ना कोई असीम बाबू आकर उसे बुझा ही देता है। वाह वाह वाह, खूब फालो कविता भाभी, खूब फालो, नॉकआउट। आपसे शायद बातें करते करते ये असीम बाबू दूसरी दुनिया में चला जाएगा। दूसरी दुनिया में? मेरी उपन्यास की प्रेरणा की दुनिया में कविता भाभी, इंस्पिरेशन। आपके शब्द मुझे धीरे धीरे प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे पब्लिशर जो हमारी कहानी छापते हैं, उनको इस बार उपन्यास के लिए एक नई कहानी की जरूरत है। लेस्बियन वाली कहानी। लेस्बियन की उपन्यास? हाँ असीम बाबू, आजकल गेज और लेस्बियन का कुछ ज्यादा ही फैशन चल रहा है। क्या करें कविता भाभी, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो चलिए मैं आपको मेनका की कहानी सुनाती हूँ, जो एक लेस्बियन है। मेनका? हाँ, वो एक लेस्बियन है और मेरी नई नई दोस्त बनी है। मेरे ऊपर मरती है। कहानी सुनने के लिए तो हम लोग आपको फोन करता है। अरे सलाउडी बाबा रे।